नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी साझा करेंगे। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दिन भी सदन में सियासी हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में जूता भी उछाला गया। पंजाब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी विधायक की तरफ से सत्ता पक्ष की ओर फेंका गया जूता। चौथवीं विधानसभा के आखिरी सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच खुलकर सियासी दांवपेच खेल चला। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दो दिन तक खींचतान के बाद आखिरी दिन कांग्रेस विधायक त्रिलोचन की ओर से विधानसभा में जूता उछाला गया, जो विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ गिरा। हालांकि त्रिलोचन सिंह के मुताबिक उन्होंने विरसा सिंह बल्टोहा पर जूता फेंका था। इस घटनाक्रम के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मैंने तो एक मिनट में पकड़ लिया कि किसने जूता फेंका। अब जूता किस पे फेंका था ये तो मेरे को नहीं पता लगा, मगर आके उधर गिरा हमारी तरफ। कांग्रेस पार्टी इज फास्ट लूजिंग ग्राउंड। आई गेस दिस इज द काइंड ऑफ डेस्परेशन दैट वी विल सी फ्रॉम देम इन द कमिंग डेज आल्सो। मेरे को और मेरी बरादरी को गाली निकालेगा, वो तो एक जूते की बात कर रहे हैं और लोग सारा पंजाब। नहीं, मैंने तो विरसा सिंह बटोहे के ऊपर फेंका था, पता नहीं उसका टारगेट कैसे चलेगा मुझे मालूम। घटिया हरकत की है के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जो जूता फेंका है, तो इनकी मानसिकता मालूम पड़ती है कि ये डिप्रेशन में है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्षी दल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री विच इन्ना अपोजिशन का रोल माड़ा करेंगे सारे देश ने देखा जिन्होंने किया। जूता फेंका गया और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। ऑनेस्टली और सिंसियरली काम करते, अज तक इन्हें कोई इदा की कंप्लेन नहीं जे इन प्रवोक किया गया। और मैं एक गल कहना चाहता कि दलित वर्ग नू जेड़ा गाल कड़ेगा वो एक जूती नहीं असी 100 मारा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल ने जूता प्रकरण को देश के लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक घटना करार दिया है। जगतार बुलर, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसे लेकर SC/ST कमीशन को शिकायत दी गई है। अकाली दल और कांग्रेस के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर SC कमीशन के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। विधानसभा के अंदर अकाली दल और कांग्रेस के बीच हुई जूता फेंकने की सियासत अब SC/ST कमीशन के पास पहुंच गई है। अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस की तरफ से विधायक त्रिलोचन सिंह ने लिखित शिकायत SC कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका को सौंपी है। उधर अकाली दल के विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने भी कमीशन को शिकायत दर्ज करवाई है और कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी शब्द नहीं इस्तेमाल किया जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। और जितों तक मेरे ते दोष लाया, मैनू दुख है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख है, अमृतधारी है, जात पात च मैं विश्वास नहीं रखता और हरेक धर्म हरेक जात हरेक गोत का मैं सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। सब तो वड्डा तो मैनूं इस गल दा दुख है कि अज कांग्रेस पार्टी इन्नी कमजोर हो गई पंजाब च कि अज उन्हां नूं इह जिहड़ी आ इहो जिही गंदी राजनीति खेडणी पै रही। जाति दे प्रति सूचक जिहड़े अंक है उन्हां ने बोले हैगे विरसा सिंह बल्टोहा ने, उहदे खिलाफ मैं अपने नैशनल कमीशन दे चेयरमैन साहब कोल एप्लीकेशन देण आया और नाल बेनती करना आया भी इहदे उप्पर सख्त तो सख्त जिहड़ा हैगा कार्रवाई होनी चाहीदी। उधर SC/ST कमीशन के मुताबिक उनको अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से शिकायत मिल गई है, जल्दी ही इसकी जांच वह किसी सीनियर अधिकारी को सौंपेंगे। कंप्लेंट के ऊपर कानूनी पहलुओं के ऊपर मैं विचार कर रहा और ये विचार करने तो बाद
जड़ी भी कानूनी कार्रवाई बनती होएगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होएगी। इन दे उपर डीजीपी या एडीजीपी दे हेड हेठ कमेटी का गठन किया जा सकता। एससी कमीशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार वेरका ने इस मामले की जांच करवाने की बात कही है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी और अमृतसर से विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने दी। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सियासी हलकों में हलचल और अटकलों का बाजार लंबे समय तक गर्म रखने वाले पूर्व क्रिकेटर बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि जब मीडिया ने पूछा कि आप कब इस्तीफा देंगी, तो नवजोत कौर सिद्धू ने अपने हलके में विकास कार्यों को पूरा करने का हवाला दिया। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन बीजेपी से भेज दी है। इश्यूज वर रेज्ड कि वो तो अभी बीजेपी के मेंबर है और वो फ्रंट की बात कर रहे हैं। सो टू क्लेरिफाई दैट इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही रिजाइन्स फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी। देखो, मैंने पहले बताया मैं अपने हलके लिए काम करती हूँ, मेरी अभी काम चल रही है, मैं कामों में इंटरेस्ट रखती हूँ। बीजेपी इज नॉट लीविंग देयर अलायंस विद अकाली दल एंड आई कैरिंग ऑन विद देम, आई कांट कैरी ऑन विद बीजेपी। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने सिद्धू के कदम का स्वागत किया है, जबकि परगट सिंह का कहना है कि राज्यसभा से इस्तीफा देते ही सिद्धू बीजेपी से अलग हो चुके थे। वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन का दावा है कि नए फ्रंट से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें आज सिद्धू जोड़े ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ दिया है। इससे पंजाब को एक अच्छी आस की किरण दिखाई देगी। आने वाले दिनों में अच्छे लोग मिलकर पंजाब को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर उसने राज्यसभा से दे दिया तो ये तो कहीं ना कहीं वो क्रिएशन थी कि हाँ भी बीजेपी से क्यों नहीं दिया, जब राज्यसभा से दे दिया तो फिर बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उन्होंने आज वो भी क्लियर कर दिया। जेड़ा तुसी चौथा फ्रंट कह रहे हो, पूरा कोई असर नहीं होने वाला ना पंजाब की राजनीति अंदर ना अमृतसर की राजनीति अंदर। इस वेले भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल गठबंधन नंबर एक ते चल रहा, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी विचार करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अभी भी भाजपा में बनी हुई हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आम आदमी पार्टी से सस्पेंड हुए विधायक देवेंद्र सहरावत आज पंजाब महिला आयोग के सामने पेश हुए और वहां पर उन्होंने फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए। विधायक देवेंद्र सहरावत ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए पंजाब महिला आयोग के सामने दुर्गेश पाठक और संजय सिंह का नाम लिया है। आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत पंजाब महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर लगाए आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा। सहरावत के मुताबिक महिलाओं के शोषण से जुड़े जो भी मामले थे उन्होंने आयोग से शेयर किए हैं और आयोग अपने हिसाब से जाँच आगे बढ़ाएगा। मैंने जो यहाँ पर मामले थे वो सब इनके साथ शेयर कर लिए हैं। एक जो है प्रोसेस इन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इस मामले को कैसे इसको और हैंडल करना है, वो जो है उसमें ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं पंजाब महिला आयोग का कहना है कि मामले का पूरा सच सामने आए इस मकसद से संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही बताया कि देवेंद्र सहरावत ने खुद की जान को खतरे की आशंका जाहिर की है, इसलिए सुरक्षा मांगी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रूफ तो उन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के नाम उन्होंने फिर से रिपीट किए हैं, जैसे मिस्टर संजय सिंह और मिस्टर दुर्गेश पाठक के नाम उन्होंने रिपीट किए हैं कि टिकट के वितरण में वो लोग औरतों का शोषण कर रहे हैं। तो ये बात तो है। तो एक बात उन्होंने जो बोली है कि मुझे अभी इन लोगों से खतरा भी है, अगर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो हो सकता मैं ज़्यादा प्रूफ हैं जो अथॉरिटीज़ को मैं दे पाऊँगा। सहरावत साहब झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो भी हम सुन सकते हैं। तो इसके बारे में अभी हम कमीशन का जो हम फैसला अभी बैठ के माइंड अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम कुछ आपको बता पाएंगे। दुर्गेश पाठक और संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद विधायक देवेंद्र सहरावत को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। सुच्चा सिंह छोटेपुर की परिवर्तन यात्रा आज लुधियाना और होशियारपुर में थी, जहां छोटेपुर के निशाने पर केजरीवाल तो रहे ही, साथ ही उन्होंने 16 सितंबर के बाद फैसला लेने की बात कही।
सुचा सिंह छोटेपुर की पंजाब में परिवर्तन यात्रा जारी है। छोटेपुर अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान आज लुधियाना पहुंचे और अपने समर्थकों से चर्चा की। मिशन 2017 के लिए सरदार सुचा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा जारी है। बुधवार को छोटेपुर की परिवर्तन यात्रा लुधियाना पहुंची, जहां छोटेपुर ने अपने समर्थकों से अगली रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान सुचा सिंह छोटेपुर के निशाने पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल रहे। विश्वास किया दिल्ली के लोगों का, विश्वास तेरे तो उठ रहा। 17-18 बंद तेरे ते केस बने हुए हैं। दिल्ली वाल कंसनट्रेट कर, फसियां छड़ के उड़दियां ना फड़। ना गोवा तेरे काबू होना, ना पंजाब तेरे काबू होना। पंजाब पंजाबियों का ये बारे की करना सानू चंगी तरह पता। छोटेपुर ने 16 सितंबर के बाद अपनी आगे की रणनीति का फैसला करने की बात कही है। हालांकि एक बार फिर से छोटेपुर ने चौथे फ्रंट में जाने के संकेत दिए। सरदार सुचा सिंह छोटेपुर का समर्थन कर रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता गोरिंदर बाजवा ने भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में है, जो उनके साथ आएंगे। ईमानदार लोग का मैं उन्होंने को हुक्म लैन जा रहे हैं। ये सारा जो यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, जो मैनू उन्होंने हुक्म मिलेगा वो 16 तरीक तो बाद मैं कन्वे कर देंगा। तुम ये जरा केंद्र हो भी कले ने आतना जन की फोटो है, चौं जन की फोटो है, आने वाले समय के सारिया दोटो कट्ठिया वेखोगे। तो बाद सारे जोड़े आम आदमी पार्टी के उन्होंने सस्पेंड किए, सारियां मिल के साफ सुथरे वो सारे बंदे ने एक प्लेटफार्म से लिया जाएगा। भाएं गांधी जी ने, भाएं शरावत जी ने, भाएं अपने खालसा जी ने, जिन्ने भी है पंजाब के जेडे दर्दी ने, उन्होंने सारियां एक प्लेटफार्म से इकट्ठा करके पंजाब के भविख लिए 2017 च एक वधिया सरकार लोगों को देने लिए सारियां एक प्लेटफार्म से इकट्ठा किया जाए। सुचा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि 16 सितंबर के बाद वो कोई फैसला लेंगे। हालांकि एक बार फिर सुचा सिंह छोटेपुर ने चौथे फ्रंट में जाने के संकेत दिए। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन प्रोजेक्ट्स को पंजाब के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तकरीबन 11,000 करोड़ की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास कर पंजाब को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। उन्होंने रोपड़ में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके तहत 10,600 करोड़ रुपए खर्च करके खरड़ से कुराली, रोपड़ से फगवाड़ा और चंडीगढ़ से खरड़ तक 4 लेन का निर्माण होगा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने डिप्टी सीएम को चौंका दिया। गडकरी ने कहा कि आपकी मांगने की ताकत खत्म हो जाएगी, जितना मांग सकते हो मांग लो। जबकि डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि पंजाब में विकास केवल और केवल सीएम बादल की देन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। विजय कपूर, जी मीडिया, रोपड़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के सेक्टर 23 में हरियाणा राज्य निगरानी ब्यूरो के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर दोहराया है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। उन्होंने साल 2015 में विजिलेंस की तरफ से रजिस्टर्ड केस के आंकड़ों का हवाला भी दिया।
साथ ही साफ किया कि भ्रष्टाचार के दायरे में आने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बड़े छोटे जो भी करते हैं, विजिलेंस का काम है हर एक के ऊपर नजर रखना, ध्यान रखना। अभी इन्होंने 334 केस बनाए हैं पिछले पौने 2 वर्षों में, और जिसमें से 91 तो सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक मैसेज है विजिलेंस की ओर से कि कभी भी कोई करप्शन करता हो इनको पकड़ा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। काम के बोझ तले दबी पुलिस के दर्द का भी सीएम ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएंगी, जिससे बोझ तले दबे कर्मचारियों को राहत दी जा सके। अभी इसके ऊपर सब डिविजन केंद्रों के ऊपर हेल्प डेस्क बनाए हैं। पुलिस की भर्ती के नाते से पिछले वर्षों में जो भर्ती नहीं हुई, 14,000 स्थान रिक्त थे, जिसमें से 7,000 स्थान इस बार भर दिए जाएंगे, आगामी वर्ष में और भर्ती की जाएगी। सीएम खट्टर ने कहा कि पुलिस महकमे में 7,000 पुलिस भर्ती करके काम का बोझ कम करने की भी कोशिश की जाएगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। रोहतक में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा की सरकार से कोई फायदा नहीं उठाया। जींद रैली में अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, तो रोहतक में वीरेंद्र सिंह ने भी हुड्डा को खरी खरी सुनाई। चौधरी साहब ने तल्ख लहजे में कहा कि उन्होंने हुड्डा से कभी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं लिया, और अगर फायदा लेने का हुड्डा कोई आरोप लगाते हैं तो वो मानहानि का दावा ठोकेंगे। मैं मानहानि का दावा करूंगा, और मैं ये प्रूव करूंगा कि इस तरह के लोग किन किन को आकर्षित करते रहे। वीरेंद्र सिंह आकर्षित नहीं होता, मेरे लिए तो बहुत अच्छा चेहरा चाहिए। हुड्डा जो आकर्षण मुझे पैदा करेगा मेरे लिए, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं इन बातों से दूर रहा हूं। और इसीलिए आपसे रूबरू होके ठोक के ये बात कहता हूं कि वीरेंद्र सिंह ने आज तक, यानी कोई CLU की तो बात छोड़ो, मैंने कोई और भी फेवर नहीं लिया उससे, और वो मेरे को फेवर क्या देगा? फेवर तो मैंने दिए हैं, कभी हिसाब करूंगा तब बताऊंगा। पूर्व सीएम हुड्डा की तरफ से ऐसा कोई भी आरोप लगाए जाने की सूरत में केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। रोहतक से राज टाकिया के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। जाट आरक्षण मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 21 सितंबर तक सुनवाई चल गई है। सुनवाई के लिए आए जाट नेताओं ने अपना रोष जताते हुए कहा कि जल्द ही उत्तर भारत, यूपी और महाराष्ट्र के जाट समुदाय को इकट्ठा करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है, और इस मामले में आज सुनवाई इस कारण ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस लगे हुए थे, इस कारण जो है केस सुनवाई के लिए नहीं आ पाया। और इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को होगी, लेकिन जाट नेताओं का यही कहना है कि बार बार सुनवाई पे सुनवाई या तारीख पे तारीख से वो काफी ज्यादा जो है आहत है, और हालांकि कानूनी प्रक्रिया है इस कारण वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ये ऐलान जरूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत, महाराष्ट्र और यूपी के जाट नेताओं को और जाटों को, जाट समुदाय को इकट्ठा किया जाएगा और एक अगली रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। यानी कि ये भी तैयार किया जा सकता है, रणनीति तैयार की जा सकती है कि अब जाट नेता अलग अलग राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं तो किस सरकार का साथ जाट नेता जो है वो देंगे। बहुत गहरा आघात लगता है जब हम 250 किलोमीटर से चलकर आते हैं और आते ही तारीख प्रतारीख में मिल जाती है, तो हम कर कुछ नहीं सकते। इस कोर्ट इज सुप्रीमो पावर है, लेकिन अंदर से हम इतने दुखी हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते शब्दों के अंदर। उसके लिए 28 सितंबर को हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पंजाब के लोग जो है ना मालंकर हॉल दिल्ली में इकट्ठा होंगे।